दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जिसे मैं करने वाला हूँ हिंदी में ट्रांसलेट। दोस्तों, आज का ये जो हमारा आर्टिकल है बहुत ही बेसिक सा आर्टिकल है। इसके अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का, वो भी आप सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। 24 ईयर ओल्ड इलेक्ट्रोक्यूटेड बाय ट्रेडमिल एट जिम। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब होता है करंट लगने से किसी की मृत्यु हो जाना। तो एक 24 ईयर ओल्ड मतलब कि 24 साल का व्यक्ति क्या हुआ? इलेक्ट्रोक्यूटेड मतलब उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई। बाय ट्रेडमिल, ट्रेडमिल का मतलब होता है जो जिम के अंदर इस तरह की मशीन होती है जिस पर लोग रनिंग करते हैं, उसे ट्रेडमिल कहा जाता है। और ये हादसा कहाँ हुआ? एट जिम, जिम में। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और जो भी आपको नए वर्ड मीनिंग मिले आप उसे नोट करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। अ 24 ईयर ओल्ड मैन डाइड ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन वाइल वर्किंग आउट एट अ जिम इन रोहिणी ऑन ट्यूजडे इवनिंग। क्या मतलब हुआ? अ 24 ईयर ओल्ड मैन मतलब एक 24 वर्षीय आदमी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। ये डाई की सेकेंड फॉर्म है, मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे ही? ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है करंट लगने से किसी की जान जाना। इलेक्ट्रोक्यूशन से उसकी मौत हो गई। वाइल वर्किंग आउट, वर्किंग आउट का मतलब होता है कसरत वगैरह करना, उसे वर्किंग आउट कहा जाता है। तो वाइल वर्किंग आउट मतलब कसरत करने के दौरान। एट अ जिम, एक जिम में। इन रोहिणी, रोहिणी में। ऑन ट्यूजडे इवनिंग मतलब कि मंगलवार की शाम को। द ऑनर ऑफ द जिम, जो ऑनर मतलब कि मालिक जो है जिम का, हैज़ बीन अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, जब हैज़ बीन और हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म होता है तो वो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये पैसिव वॉइस का टेंस है, पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट। द ओनर ऑफ द जिम हैज़ बीन अरेस्टेड मतलब कि मालिक को, जो मालिक है जिम का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सेट, पुलिस ने कहा। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स का मतलब हुआ जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स है। सजेस्ट, वो इस चीज़ का सुझाव देती है, इशारा करती है। ही वॉज इलेक्ट्रोक्यूटेड, वो इलेक्ट्रोक्यूट हुआ मतलब वो बिजली से करंट लगने से उसकी जान गई। बाय वन ऑफ द ट्रेडमिल्स, एक ट्रेडमिल के द्वारा। सक्षम प्रोथी, अ बीटेक ग्रेजुएट। सक्षम प्रोथी, अ बीटेक ग्रेजुएट मतलब इनका नाम है सक्षम प्रोथी, जो एक बीटेक ग्रेजुएट थे। वर्कड विद अ गुड़गांव बेस्ड फॉर्म, वो एक काम किया करते थे गुड़गांव स्थित एक फॉर्म में। एंड लिव्ड इन रोहिणी सेक्टर 19, और सेक्टर 19, रोहिणी के सेक्टर 19 में रहा करते थे। विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एंड 21 ईयर ओल्ड सिस्टर, और एक 21 वर्षीय बहन के साथ। चलिए आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार प्रूथी हैड जस्ट फिनिश्ड लिफ्टिंग वेट, जो प्रूथी थे उन्होंने से मतलब कि हैड जस्ट फिनिश्ड लिफ्टिंग वेट मतलब जो वेट लिफ्टिंग होती है वो बस उन्होंने फिनिश ही की थी। एंड वॉज सिटिंग, और वो बैठे हुए थे ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, ज़मीन पर, टू रेस्ट, आराम के लिए। व्हेन हिज हैंड टच्ड, जब उनका हाथ जो है वो छू गया अ ट्रेडमिल, एक ट्रेडमिल को। एंड ही गॉट इलेक्ट्रिक्यूटेड, और उन्हें करंट लग गया। इनिशियल प्रोब, जो शुरुआती जांच है, प्रोब का मतलब होता है जांच। हैज़ रिवील्ड, उसने खुलासा किया है। हैज़ रिवील्ड द ट्रेडमिल साइड बार, जो ट्रेडमिल का साइड बार था। एंड पैनल, और उसका पैनल। वर मेड ऑफ मेटल, वो मेटल के बने हुए थे मतलब कि धातु के बने हुए थे, नॉट प्लास्टिक, प्लास्टिक के नहीं। इनेबलिंग द फ्लो, इनेबल होता है किसी को सक्षम बनाना। इनेबलिंग द फ्लो, और फ्लो का मतलब होता है किसी का बहना। इनेबलिंग द फ्लो ऑफ करंट मतलब कि जिसने जो करंट के जो फ्लो को, बहाव को सक्षम बनाया। फ्रॉम द मशीन, मशीन से, टू हिज बॉडी, उसके शरीर में। चलिए आगे देखिए। अ कॉल वॉज रिसीव्ड, एक कॉल को प्राप्त किया गया ऑन ट्यूजडे इवनिंग, ट्यूजडे की शाम को, मंगलवार की शाम को। फ्रॉम BSA हॉस्पिटल स्टाफ, BSA हॉस्पिटल के स्टाफ के से। दैट अ मैन, की एक आदमी। हैड बीन ब्रॉट, उसे लाया गया है। इन एंड डिक्लेयर डेड, और उसे डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया, मृत घोषित किया गया। ऑन अराइवल, आने पर, आगमन पर।
व्हेन द पुलिस टीम रीच्ड द हॉस्पिटल, जब पुलिस की जो टीम थी वो हॉस्पिटल पहुंची, इट फाउंड, उसने पाया दैट कि प्रोथी हैड बीन रश्ड टू हॉस्पिटल, प्रोथी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था बाय सम पीपल, कुछ लोगों के द्वारा। दे टोल्ड कॉप्स, उन्होंने पुलिस को बताया दैट कि ही हैड बीन इलेक्ट्रिक्यूटेड, कि उन्हें करंट लगा है। वाइल वर्किंग आउट, मतलब कसरत करने के दौरान, एट अ जिम्प्लेक्स जिमनेजियम, एक जिम्प्लेक्स जिमनेजियम के अंदर, इन रोहिणी सेक्टर 15, रोहिणी सेक्टर 15 में। दे सैड, उन्होंने कहा दे ट्राई टू रिकुपरेट, देखिए रिकुपरेट का मतलब होता है किसी को स्वस्थ करना, उन्होंने कोशिश की उसे स्वस्थ करने की, ठीक करने की। दे ट्राई टू रिकुपरेट हिम एंड टूक हिम, और उसे ले गए, ये टेक की सेकेंड फॉर्म है, एंड टूक हिम, उसे ले गए टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले गए। सैड गुर इकबाल सिंधु, जो गुर इकबाल सिंधु DSP रोहिणी है, उन्होंने कहा, आगे देखिए, प्रोथीज फैमिली, जो प्रोथी का परिवार है, मेंबर, फैमिली मेंबर्स मतलब जो प्रोथी के जो परिवार के सदस्य हैं, वर देन इन्फॉर्म, फिर उन्हें सूचित किया गया, एंड अ पोस्टमार्टम वॉज कंडक्टेड, और एक पोस्टमार्टम किया गया, विच कन्फर्म, जिसने पुष्टि की, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब करंट लगने की जिसने पुष्टि की। चलिए आगे देखिए, ड्यूरिंग फर्दर इंक्वायरी मतलब आगे की जांच के दौरान, वन ऑफ द आई विटनेसेस, जो एक आई विटनेस था, हु ऑल्सो वर्क्स एट द जिम, जो काम करता है जिम में, टोल्ड पुलिस, उसने पुलिस को बताया दैट कि द इंसिडेंट टुक प्लेस, जो एक घटना है वो घटित हुई अराउंड 7:15 PM, करीब 7:15 बजे। द विटनेस सेड, विटनेस मतलब विटनेस ने, जो विटनेस थे उन्होंने कहा, गवाह ने कहा, सैड ही सॉ सक्षम सिटिंग बिटवीन ट्रेडमिल नंबर्स 2 and 3, कि उन्होंने देखा था सक्षम को बैठे हुए बिटवीन ट्रेडमिल नंबर 2 and 3, ट्रेडमिल नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में, एंड और दैट एज सून एज, जैसे ही सेट, वह बैठा, ही फेल, वह गिर गया टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। सीइंग दिस, ये देखकर द मैन रश टू हिम, वह आदमी उसकी तरफ दौड़ा, एंड वैन, और जब ही टच्ड हिम, जब उसने उसे छुआ, ही ऑल्सो रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक, उसे भी मिला मतलब प्राप्त हुआ क्या, एक इलेक्ट्रिक शॉक मतलब बिजली का झटका। आगे देखिए, विद द हेल्प ऑफ अदर्स मतलब कि अन्यों की मदद के साथ से, द ही मूव्ड सक्षम अवे, उन्होंने सक्षम को दूर किया फ्रॉम द ट्रेडमिल, ट्रेडमिल से। दे ट्राइड टू रिकुपरेट हिम, उन्होंने उसे ठीक करने की, स्वस्थ करने की कोशिश की, बट लेकिन when they could not, लेकिन जब वो नहीं कर सके, they rushed him, उन्होंने उसे पहुंचाया to hospital, hospital पहुंचाया, the officer said, अधिकारी ने कहा। चलिए आगे देखिए, police said, पुलिस ने कहा, a crime and forensic team also visited the gym, कि जो एक crime और forensic team है उसने भी दौरा किया gym का, for a detailed inspection, एक निरीक्षण के लिए। we have registered a case of causing death, हमने एक केस रजिस्टर किया है, किस चीज़ का, केस ऑफ कॉजिंग डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, मतलब कि मृत्यु का किस कारण, ड्यू टू नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही से मृत्यु का, एंड नेग्लिजेंट और लापरवाही कंडक्ट बरती गई विद रिस्पेक्ट टू मशीनरी, मशीनरी के साथ। द जिम ऑनर अनुभव दुग्गल, जो जिम के ऑनर हैं, मालिक हैं अनुभव दुग्गल, हैज़ बीन अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अदर्स आर बींग क्वेश्चन, और अन्यों से पूछताछ की जा रही है। वी आर चेकिंग द जिम CCTV फुटेज, हम जो CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं जिम की, टू एस्टैब्लिश, इस चीज़ को स्थापित करने के लिए, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का मतलब होता है घटनाक्रम का अनुचक्र, या कह सकते हैं घटनाक्रम। पुलिस सेट, पुलिस ने कहा, द फुटेज शो, जो वो फुटेज है वो दिखाती है प्रोथी कंप्लीटिंग हिज सेट, जो प्रोथी है उन्होंने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया अपना सेट विद वेट के साथ, एंड सिटिंग, और बैठे हैं ऑन द ग्राउंड पर, ज़मीन पर, रेस्टिंग हिज बैक, अपनी बैक को मतलब अपनी कमर को आराम देते हुए, बिटवीन द ट्रेडमिल्स, ट्रेडमिल्स के बीच में। व्हेन, जब ही रेस्ट, जब वो आराम करते हैं, हिज हैंड अपने हाथ का, ही इज़ सीन, उन्हें देखा जाता है गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, कि उन्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक मतलब बिजली का झटका लग रहा है, एंड फॉलिंग, गिरते हुए। अनदर पर्सन सीन, दूसरा आदमी को देखा जाता है रशिंग जाते हुए टू सेव हिम, उनकी तरफ, उन्हें बचाने के लिए जाते हुए, रशिंग टू सेव हिम। ऑल्सो गेट्स द करंट, उसे भी क्या मिलता है, करंट मतलब उसे भी वो करंट मिलता है। एंड सो डज अनादर, और वैसा ही एक अन्य, डज अनादर मैन, शोज द फुटेज, फुटेज ये दिखाती है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा एक आर्टिकल था जो मैंने अभी आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की है यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की,
और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय।